स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग वेक्टर का स्टडी कर रहे हैं और वेक्टर में सभी टाइप के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग 10.2 पिछले क्लास में सॉल्व किए और यहां से 10.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन का सलूशन हम कर रहे हैं। अगर आप 10.2 को नहीं देखे हैं, वेक्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक लीजिए और आराम से हमारे सारे कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब एक और बात समझिए यहाँ से बढ़िया से। अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या चीज़, 9709710882 इस नंबर पर आराम से हमें व्हाट्सएप कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त करके लाइव क्लास का आनंद लीजिए। चलिए तो अब 10.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, बुक को सामने रखिए। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि बुक को सामने रखने का प्रयास किया जाए, तब जाकर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बुक को सामने रखते हुए चलिए यहाँ पे क्या होता है समझिए। कह रहा है यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन करे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद इट मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो गिवन क्या क्या दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना, तो √3। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2 है, कितना है, 2 है। एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू दिया है √6। अब सुनिए यहाँ पे एक प्यारा सा कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट साइड में, कंसेप्ट कंसेप्ट बिना चैन कहाँ है। देखिए ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर। एक बात ये, यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी बाई वेक्टर ए और क्या चीज़ यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड, सबका मॉड कर लेते हैं क्योंकि ये इसका भी मान जो है वो क्या हो सकता है, वो आ सकता है आपको निगेटिव, राइट। तो ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो बस फॉर्मूला यहाँ पे है, लिखेंगे सिंस ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया गया है √6, तो यहाँ से ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा √6। अब यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कितना है बालक, √3 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। कॉस थीटा बराबर, अच्छा √6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 into √2, ये उड़ जाएगा यहाँ से, फायदा हो गया। यहाँ देखिए और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बात को समझिए बढ़िया से। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2/2। अब यहाँ से क्या किए है ना कि ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करते चले जा रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए, वो भी तरीका सिखा देंगे आपको हम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो √2/√2 × √2। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़े, क्योंकि √2 × √2 कितना होता है, 2 होता है, इससे कट जाएगा, ये मिल गया कितना, 1/√2। अब सुन लीजिए बात को बढ़िया से, सिंपल सा कंसेप्ट यहीं आ गया ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, मतलब क्या हुआ, कॉस कितना के मान होता है, cos π/4 का मान होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। तो एक ये भी आंसर हो गया, ये भी तरीका हुआ लिखने का इस क्वेश्चन को। और एक और क्वेश्चन का तरीका बता रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए बढ़िया से सॉल्व करने का तरीका। ऐसा भी हम डायरेक्ट क्या किए, कैलकुलेट करते हुए आराम से चले आए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। अब यहाँ से क्या है ना कि जो नेक्स्ट बात बता रहे हैं उसको समझिए, दूसरा तरीका लिख देंगे यहाँ पे, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी बाई
ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड मॉड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या होगा, ये रूट सिक्स है, सीधे रूट सिक्स का मॉड रूट सिक्स होगा। इसका है आपका कितना, इसका है रूट तीन, इसका है दो। इसको तोड़ सकते हैं कैसे, रूट थ्री इंटू रूट दो, नीचे तोड़ लीजिए रूट थ्री है, और दो को भी तोड़ सकते हैं रूट दो गुने रूट दो। कट गया, कट गया, क्या आ गया, वन बाई रूट दो आया, जिसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, कॉस पाई बाई फोर। तो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाई फोर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया, है कि नहीं है, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कहीं भी टेंशन से नहीं रहना है, आराम से रहिए और बड़े मज़े से एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं बढ़िया से, समझ रहे ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया गया उसके बीच एंगल कैसे निकालेंगे। लेट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, I कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। वेक्टर B इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। अब जो यहाँ से बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक कंसेप्ट समझेंगे तब जाकर बात बनेगी। यहाँ लिखेंगे कंसेप्ट, जो लोग वेक्टर का पूरा सीरीज नहीं देखे हैं कंसेप्ट का, उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेक्टर का सारा कंसेप्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक जाकर प्राप्त करें और पूरे नोट्स को तैयार करें। नोट्स बनाकर जब आप वेक्टर के किसी भी एक्सरसाइज को, ये एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं हम, आप किसी बुक को सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए ए बराबर मान के चलिए ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ए टू आई कैप बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ऐसे दो वेक्टर्स दिए गए हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, क्या वैल्यू आता है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ये रिजल्ट निकल के आता है, है ना। ये कंसेप्ट समझने के बाद फिर वहीं सा कंसेप्ट जो कॉस थीटा वाला क्या बताए हैं हम, तो ए वन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मॉड कहते हैं सबका, ऊपर वाला का ही मॉड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, चलिए तो देयर फोर ए डॉट बी निकालिए, एक गुने तीन एक गुना तीन प्लस माइनस दो गुने क्या है, माइनस दो है, माइनस दो गुने क्या है, देखिए क्वेश्चन सही से देख लीजिए, माइनस दो ही है ठीक है ना, प्लस तीन गुने एक, ये हो गया थ्री, ये हो गया प्लस फोर, ये हो गया प्लस थ्री, तीन तीन छः चार दस। तो ऐसे देखिए यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी बराबर टेन आ गया, क्लियर। तो अब तो टेन आ गया यहाँ पे, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, फिर लिखिए एंड ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बोलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप रहता है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ऐसा ही ना होता है पोजिशन वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड, ये सब कुछ हम सिखाए हैं बुआ पहले। तो क्या होगा, ये हो जाएगा उसके बाद प्लस थ्री सॉरी यहाँ पे ये तीन का स्क्वायर नौ, कैलकुलेट कर लीजिए भाई, एक आ चार पाँच, पाँच आ नौ चौदह, रूट अंडर चौदह। चलिए बी में आइए, तीन का स्क्वायर नौ
फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, रूट अंडर 14 ये आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस कॉस थीटा बराबर क्या है, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मॉड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया 10, 10 बाई रूट 14 गुने रूट 14 आ गया 10 बाई 14 14 आ गया 10 बाई 14। ठीक है ना, अब तो बिना मिटाए कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको मिटवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मिटाए तो जगह बचेगा नहीं। कंसेप्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो फायदा रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जो बात बन रही है उसको समझिए, क्या आएगा 5/7 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7 और यहीं क्या आ गया आपका, शानदार प्यारा सा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर लिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बात है कि कंसेप्ट बताना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा समय लगता है, सिर्फ क्वेश्चन बताना पड़ रहा था, फटाफट सॉल्व करना रहता तो मज़ा भी तो नहीं आता ना, कि सिर्फ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं सर, तो कंसेप्ट जरूरी है ना। चलिए कंसेप्ट बताए दे रहे हैं जितना आ सकता है आपको। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बात है प्रोजेक्शन की। तो पहले दो वेक्टर मानिए, लेट ए बराबर मान लेते हैं क्या, तो मान लीजिए कि आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप, बी बराबर क्या, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, मान लिया हमने, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो अब कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट, छोटा सा फॉर्मूला है बस। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी बराबर ए का बी पर। तो सबसे पहले डॉट निकालिए, दोनों का डॉट, बाई, अब ऑन के बाद कौन वेक्टर है, बी है ना, किस पे निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, बस यही प्यारा सा फॉर्मूला है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए ए डॉट बी कितना होगा, 1 × 1 1 − 1 0। किस पे कह रहे कि ए का बी पे निकालना है ना, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया, रूट 2 आ गया। क्लियर, लिखेंगे नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर ए डॉट बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ना 0 0/√2 मतलब 0 0 क्या हो गया आपका, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि बना दें बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नहीं समझ में आया। चलिए लेट ए बराबर, चलिए देख लीजिए कहे हबड़ा रहे हैं आप, आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप है ना, और वेक्टर बी बराबर 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप ये है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा, 7 × 7 − 3 × 7 = 56। वाह, कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा भाई, देखिए 7 × 3 = 4 + 56 = 60। चलिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा बालक, 7 का स्क्वायर + − 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 50 50 और 64 114 राइट रूट के अंदर। तो इसलिए इसीलिए क्या है,
इसीलिए कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी बाई, बाद में कौन है बी ना है तो बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे। तो चलिए ए डॉट बी कितना आया भाई, 60 आया, 60 बाई 114, तो 114 तो 114 नहीं टूटने वाला है, कुछ भी कर लो नहीं टूटने वाला है, इसीलिए आंसर इतना लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, राइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन में तीन वेक्टर दिया गया है। सबसे पहले मानेंगे तीनों को, लेट बिना माने तो कोई वैल्यू करता भी कहाँ है। 1/7 क्या है, 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप, वेक्टर बी बराबर 1/7 3i कैप 6j कैप + 2k कैप, सी बराबर दिया है 1/7 6i कैप + 2j कैप - 3k कैप, हो गया है कि नहीं। तो अब लिखेंगे नाउ, अब यहाँ लिखेंगे कंसेप्ट। देखिए ए कोई वेक्टर है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप से। फर्स्ट बात, चलिए ए कैप बराबर हो जाता है वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी अगर आ जाएगा 0 के बराबर तो क्या होता है, उस केस में ए परपेंडिकुलर होता है बी पे, ये भी एक लॉजिक है। और ए परपेंडिकुलर बी पे होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, तो ये बात भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि पता कीजिए कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1/7 को अलग कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1/7 होगा। ऐसा कीजिए 2 का स्क्वायर 4 + 9 + 36 का रूट मार दीजिए, 1/7 × 7 = 1। फिर देखिए बी का निकालिए, 1/7 √3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, सबका तो ऐसा ही आने वाला है 1/7 × 7 = 1। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना होगा, 1/7, आइए इसमें 1/7 के साथ में 36, 6 का 36 2 का 4 + 9 कितना होगा, 1/7 × 40 × 49 = 7 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास करना ज़रूरी है, तो लिखेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी बराबर 1, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, यही इकाई सदिश हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। अब जो दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि पता करें भाई कि ए और बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परस्पर लंब है, इस बात को बताना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं कैसे होता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, राइट। अब फिर लिखेंगे अगेन पुनः ए डॉट बी निकालिए बराबर ए डॉट बी क्या हो जाएगा बोलिए। तो सबसे पहले देखिएगा किताब में कि 1/7 दिया है ए का वैल्यू, बी का ए का वैल्यू कितना, 1/7 ×
वन बाई 72 आई प्लस 3 जे प्लस 6 के, अब फिर बी का वैल्यू कितना दिया है डॉट, फिर 1/7, फिर क्या दिया है 3i माइनस 6j प्लस 2k। चलिए ये कितना होगा 1/49, 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12, कितना होगा 18 × 18 = 18, 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली आप निकाल सकते हैं ए डॉट सी निकालिए 0 आएगा, एंड फिर बी डॉट सी निकालिए क्या आएगा 0 आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए बराबर 0, जब तीनों 0 के बराबर आ गया तो इसीलिए ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब तीनों क्या है परस्पर लंब है। तो ये चीज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में कर लिए, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 6 में क्या होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और 6 का कमाल देखिए क्या है। यहाँ पहले दिया है क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गिवन गिवन ए का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 8 × मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखेंगे सीन से, एक और चीज़ दिया है ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 8, ये है। तो यहाँ देखिए इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए डॉट इंटू ए डॉट, फिर माइनस ए डॉट इंटू बी डॉट, फिर प्लस बी डॉट इंटू ए डॉट, माइनस बी डॉट इंटू बी डॉट बराबर 8। अब सुनिए यहाँ पे ए डॉट इंटू ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, आपस में क्या होता है जब इक्वल होता है ये, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखिए, बात को समझने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक सेकेंड देखते चलिए। तो यहाँ देखिए, तो अब क्या होगा 8 हो गया ये, अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि ऐसा है कुछ, ए ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे तो हम लोग देखे हैं। देखिए माइनस ए डॉट बी, इसको भी लिख सकते हैं प्लस ए डॉट बी, क्योंकि उल्टा सीधा बराबर होता है, ऐसे स्क्वायर तो करना बनता है बराबर 8, है ना। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कट गया, तो देखिए ए का वैल्यू कितना, इतना है तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8, ही ना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8, इसलिए 63 ये क्या हो जाएगा 8/63 ऐसे हो जाएगा, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग सॉरी रूट नहीं हटेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम जाइए बस, स्क्वायर यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 8/63 आएगा, स्टेप कट करेंगे तो गड़बड़ होगा, दिक्कत होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो √8/63। बोलिएगा सर
अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4 लिखते हैं, प्लस माइनस 2 लिखते हैं। लेकिन सर आप यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको तोड़ लीजिए, ऊपर का ऊपर रूट, नीचे का नीचे रूट, रूट 8 बटा रूट 63 कितना आएगा? ये कितना आएगा? रूट 8 है कितना होगा? तो 2√2 आता है बाई 9 7 63, तो 3√7। देखिए 8 को तोड़ेंगे ऐसे, 2 × 2 × 2 अब बट्टा 9 × 7, इस दो में से एक दो आ जाएगा बाहर, 9 × 3 आ जाएगा, रूट में क्या बच गया? 2/7, ये ना बच गया, ये ना बच रहा था। तो ये सब चीज़ तो कमन चीज़ है। चलिए आंसर क्या मिल गया हमारा? आंसर हमारा हमारा आंसर हो गया 3/7 रूट अंडर 2/3 रूट अंडर 2/7, और यही हमारा प्यारा सा आंसर निकल के आया। तो ये क्वेश्चन भी गया, 6 नंबर क्वेश्चन भी गया। चलिए अब 7 नंबर पे आते हैं, क्या होता है? क्लियर? अब यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इवैल्यूएट करना है 3a वेक्टर माइनस 5b इंटू 2a + 7b। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 × 2 इससे करेंगे इसमें, पहले 3 × 2 6a. 3 × 7 = 21, 21a. चलिए 5 × 2 = 10, 10 × b. उसके बाद क्या करेंगे? 5 × 7 = 35 माइनस 35b. तो देखिए ये हो जाएगा 6 × a² राइट, प्लस देखिए दोनों बात तो बराबर होता है, 23 × 10 = 11 a · b माइनस 35b². क्लियर? और इतना ही क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर? यही क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ बन जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। लिख दिया है सिंस मॉड ए बराबर मॉड बी, क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, बराबर है। सच डैट एंगल बिटवीन थीटा कितना कह रहा है? 60 डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। एंड ए डॉट बी कितना है? स्क्वायर प्रोडक्ट का मतलब के डॉट बी 1/2 है। लिखेंगे सिंस ए डॉट बी बराबर क्या होता है, 1/2 दिया है यहाँ पे, ए डॉट बी, बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 60 है ना यहाँ पे बराबर 1/2, या ए का मैग्नीट्यूड फिर बी की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है यहाँ पे। उसके बाद 1/2 बराबर क्या चीज़, 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा ये, तो ये देखिए ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, 1√1 होता है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? चलिए आगे बात को समझते हैं। अब यहाँ से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक यूनिट वेक्टर ए दिया गया है। क्या है? लिखेंगे ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो लिख देंगे ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नाउ अब क्या है, बस जो कहता है उसी को समझते चलिए। एक्स वेक्टर माइनस वेक्टर ए इंटू
वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। अब सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि हम लोग गुना करेंगे, इससे करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस इससे करेंगे इसमें तो एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मतलब वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए, इससे करेंगे इसे माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 अपने जगह पर बना रहेगा। बस बात को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। अब पहले भी बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जब करेंगे तो वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर होता है, तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इतना। और फिर बताए थे भी आपको कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स वेक्टर ए वेक्टर माइनस फिर वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 12। ये दोनों सेम है, कट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर माइनस, अच्छा वेक्टर ए का मॉड कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर बराबर 1 बराबर 12। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर जाएगा 12 × 13, तो इसलिए ये कितना होगा बोलिए, तो सिर्फ हो जाएगा √13। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ प्लस माइनस 13 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस में ही रखा जाता है। सो नेक्स्ट क्लास देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे आते हैं, दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन लिखेंगे, इफ तो क्वेश्चन में दिया है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, ए बराबर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया है माइनस i कैप 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी बराबर क्या दिया है 3i कैप प्लस जे कैप, यही दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे, अब कह रहा है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि इफ यदि ए क्या हो वेक्टर बी पर लंब हो परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी बराबर होता है 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी हम लोग इसको ले सकते हैं, समझे ना, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। अब जो बात हो समझिए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस लेमडा बी निकालिए, तो a में a को क्या करना है, लिखना है यहाँ पे b में लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, चलिए a है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिए, लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस क्या हो जाएगा, तो लेमडा से गुणा कीजिए लेमडा के। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़ेंगे इसमें, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, क्लियर, 2 माइनस लेमडा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइए ना होता है, क्लियर। उसके बाद प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के बराबर कुछ नहीं, बराबर तो मिलेगी आपको, ये मिल गया आपको। अब आइए, अब कहेंगे सिंस चूंकि ए प्लस लेमडा
बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये क्या सी और परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ए प्लस लेमडा बी डॉट वेक्टर सी क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हो गया ना, इसके साथ किसका डॉट करने वाले हैं, सी के साथ, तो आई के साथ क्या ये है, दोनों में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू माइनस अल्फा इसके साथ ही करेंगे प्लस टू प्लस टू लेमडा, सॉरी अल्फा नहीं है लेमडा है, और के तो है ही नहीं, तो बराबर हो जाएगा जीरो। तो अब इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व कर लीजिए कितना जल्दी हो जाएगा, तीन दुना छः माइनस तीन लेमडा प्लस दो प्लस टू लेमडा बराबर जीरो। या देखा जाए, देखिए तो कितना, माइनस तीन प्लस दो कितना होगा, माइनस तीन प्लस दो माइनस एक, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है ना, देखिए ना, माइनस लेमडा बराबर छः दो आठ माइनस आठ कट जाएगा, तो इसलिए लेमडा बराबर क्या हो गया, आठ हो गया, और लेमडा का मान आठ आएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो लॉजिक वही है कि मतलब कि जैसे भी डॉट की बात आए, परपेंडिकुलर की बात आए, लंब की बात आए, तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका अलग कहानी है, इसमें दो टाइप के वेक्टर दिया गया है, एक दिया गया है वेक्टर ए का मॉड इनटू बी वेक्टर, ठीक है, प्लस वेक्टर बी का मॉड इनटू वेक्टर ए, ठीक है ना, और एक और वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए, कह रहे कि ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जहाँ पे कह रहा है क्या कि ए जो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब ए और एंड बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये हमको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर हो गया, इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब हुआ, अगर क्योंकि वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का डॉट करते हैं, जीरो आ जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वेक्टर ए जो है बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डॉट करेंगे, डॉट करने पर अगर क्या हो कि जीरो आ जाए तो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, सेम कहानी यहां भी है, इसका डॉट करेंगे। चलिए इससे पहले दोनों में मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो क्या हो रहा है, मॉड एक मॉड है, एक मॉड है, क्या हो जाएगा, एक मॉड के स्क्वायर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, राइट, चलिए ऐसे कर लीजिए, इससे करेंगे फिर इसमें माइनस मॉड ए मॉड बी, क्लियर, बी ए है ये वेक्टर बी डॉट ए, इसे तो हो गया, फिर इससे करेंगे दोनों में, तो इससे करेंगे इसमें, तो प्लस वेक्टर बी का मॉड ए इंटू ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इससे करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर इंटू ए डॉट ए, देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का मॉड बी का मॉड बी डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समझिए बात को बढ़िया से, हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे स्टेप में है, एक यहाँ पे है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, एक सेकेंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थर्ड जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप लिखा हमने, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा ना, बुआ देखिए मॉड बी इंटू मॉड ए
फिर क्या हो जाएगा बोलिए, फिर वेक्टर ए डॉट बी और क्या माइनस देखिए स्क्वायर इनटू स्क्वायर। तो अब तो बात समझ में आ गया ना कि ये दोनों क्या है, ये दोनों और ये दोनों सेम है, क्लियर। फिर ये दोनों भी क्या है, देखिए बी ए ए बी बात बराबर है, ए बी कम आउट बी ए कम आउट, ये भी दोनों क्या है सेम है। फाइनली क्या हो गया, इसलिए ए आ गया जीरो के बराबर, तो इसलिए क्या हो गया, इस बात को लास्ट में लिख देंगे कि ए का मॉड बी वेक्टर बी का ए इज इज परपेंडिकुलर टू किस पे, इस पे एक कॉमन चीज है। किताब का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं बनेगा तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 12 का लॉजिक क्या कहता है, 12 में समझने वाला बात है शायद हमारे ख्याल से। देखिए ये 12 का लॉजिक समझते हैं, 12 में क्वेश्चन पहले से दे चुका है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। दिया है यहाँ पे कि ए डॉट ए बराबर जीरो एंड यहाँ पे दिया है ए डॉट बी बराबर जीरो। अच्छा यहाँ से सोचिए क्या हो रहा है, ये तो हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर बराबर जीरो, तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया जीरो हो गया, क्लियर। तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। अब सुनिए यहाँ देखिए, इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लियर। एक तो कन्फर्म होगा कि ए जीरो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। हो सकता है कि थीटा 90 हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, मे बी आपका थीटा जो हो 90 दिया हो तभी भी आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा और ए जो है ये तो पक्का जीरो हो ही गया, तो थीटा का मान कुछ भी हो, बी का मान कुछ भी हो, ए जीरो होने से क्या होगा, रिजल्ट जीरो आने वाला है। बी का मान जीरो हो तो भी आंसर जीरो आने वाला है, बी का मान पाँच हो तो भी आंसर जीरो आने वाला है, क्योंकि ये पक्का जीरो लेकर बैठा हुआ है, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो। तो इस बी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बी जो है यह बी, इस बी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जीरो भी चलेगा, पाँच भी चलेगा, एक भी चलेगा, दस भी चलेगा, है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है ना। तो लिख सकते हैं क्या कि बी के देयरफॉर, इसलिए लॉजिकल है, बस बी के बारे में बताइए, बी इज एनी वेक्टर हो गया, कोई वेक्टर हो सकता है, जीरो वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर यहाँ सोल्व किए 13, सॉरी ये 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ, क्लियर। देखते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है 14। देखिए यहाँ पे ध्यान से बुक में कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, करें कि ए बराबर जीरो है, ठीक है, बी बराबर जीरो है, तो बी बराबर जीरो एंड फिर कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर जीरो। बात समझिए, कह रहा है कि यदि ए का मान जीरो के बराबर हो जाए और फिर बी का मान भी जीरो के बराबर हो जाए, वेक्टर बी भी जीरो के बराबर हो जाए, तो ए डॉट बी तो पक्का जीरो होगा, क्योंकि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी किस फॉर्मूला को सेट करता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये जब जीरो हो जाएगा, ये जब जीरो हो जाएगा, तो थीटा का मान कुछ भी हो आंसर जीरो आने वाला है ना, तो ये तो पक्का सही। लेकिन कह रहा है कि ठीक है, बात सही है, बट कह रहा है कि अगर इफ ए डॉट बी जीरो हो जाए तो ए भी जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा, मतलब कि यहाँ पे ए जीरो वेक्टर देना चाहिए ऐसे, ए भी जीरो वेक्टर होगा, बी भी जीरो वेक्टर होगा, इसकी क्या गारंटी है, ये सत्य नहीं है, जरूरी नहीं कि होगा ही, अगर ए डॉट बी जीरो दिया है तो जरूरी नहीं कि ए और बी जीरो होगा, हो सकता है कि जीरो ना हो, थीटा का मान 90 हो, तो इस बात को दर्शाइए। तो कह रहे कितना दिया है, एग्जाम्पल एक दर्शाइए, तो लिखेंगे एक सोल्यूशन में यहाँ पे, ये सब दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे समझाने के लिए, आपको सब कुछ समझाया, सोल्यूशन देखिए
सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे लेट टू ऐसे वेक्टर मानिए जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, लेट ए बराबर एक ऐसा वेक्टर लिया हमने टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है ना, और मतलब कि वेक्टर बी बराबर क्या लिया हमने, तो यहाँ पे ले रहे हैं वेक्टर बी बराबर आपको थ्री आई कैप लेते हैं थ्री आई कैप टू जे, ठीक है, ऐसा कीजिए कि डॉट बी जीरो आ जाए, और उसके बाद क्या, उसके बाद आपको प्लस थ्री जे चार तीन छः चार तीन बारह और ठीक है थ्री जे और माइनस कितना यहाँ रख देते हैं छः हो जाएगा अठारह। चलिए तो ये हो गया, अब देखिए इसलिए यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा दो चार सोलह बीस बीस नौ उनतीस रूट उनतीस नहीं जीरो के बराबर है, वेक्टर बी का मॉड कितना होगा तो नौ नौ अठारह अठारह छत्तीस चौवन रूट चौवन जो क्या है जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए और बी जीरो के बराबर नहीं है, बट ए डॉट बी क्या हो जाएगा, देखिए तो तीन दो छः चार तीन बारह घटाओ अठारह आंसर क्या मिला हमको जीरो मिला, तो आंसर मिल गया जीरो, वेक्टर जीरो नहीं है, तो क्या हो गया आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि इसलिए सो इफ ए डॉट बी बराबर जीरो हो, ए डॉट बी क्या मिल गया जीरो मिल गया, तो जरूरी नहीं है इफ इफ डॉट बी जीरो देन क्या कि इट इज नॉट नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी टू ए नेसेसरी डैट ए एंड बी आर जीरो वेक्टर, ए और बी क्या हो जीरो वेक्टर, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बात ही, तो ये कथा कहानी है और कुछ नहीं है। यहाँ से हम 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है कि तीन को वर्टेक्स दिया गया है, सिंपल ट्रायंगल बनाइए एक, क्लियर, जिसमें कहा जा रहा है कि बी ए और बी सी, एक ए ले लिया हमने यहाँ बी ले लिया और यहाँ सी ले लिया, ए का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है वन कोमा टू कोमा थ्री, बी का वर्टेक्स क्या है माइनस वन जीरो जीरो, सी का क्या है जीरो वन टू, ये है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये एंगल कौन सा, तो बी ए ये और फिर बी सी के बीच का एंगल बताइए, मान लीजिए थीटा है, लेट रिक्वायर्ड एंगल अभीष्ट कोण क्या मान लिया हमने, अभीष्ट कोण रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा, नाउ हम पढ़ेंगे चक्कर में बी ए को निकालने में, बी ए बी ए क्या होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, वन वन माइनस यहाँ पे क्या होगा वन माइनस माइनस वन, तो मतलब कितना हो जाएगा ये टू आई कैप, इसी में बताए थे पिछले लेक्चर में बताए थे, लेक्चर में बताए हैं सॉल्यूशन बताए हैं पिछले एक्सरसाइज का, बाद वाला माइनस पहले वाला दो माइनस जीरो दो जे कैप सॉरी जे कैप थोड़ा सा यहाँ देखिए तीन माइनस जीरो क्या हो जाएगा प्लस तीन के, अब निकालिए बी सी जीरो माइनस माइनस वन बी सी निकालिए बाद वाला माइनस पहले वाला एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं तो क्या होगा जीरो माइनस माइनस वन 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 का मतलब आई कैप वन माइनस जीरो प्लस जे कैप टू माइनस जीरो प्लस टू के कैप क्या हो जाएगा हो गया ना, तो लिखेंगे देयर फोर क्या हो जाएगा बी ए का मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे हम लोग दो का स्क्वायर चार दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ कितना होगा बालक तो नौ आठ सत्रह हो जाएगा रूट में, बी सी का मैंने चूर निकाली है बोलिए कितना होगा तो एक प्लस चार कितना होगा छः हो जाएगा रूट के अंदर, अब देखिए बी ए डॉट बी सी भी निकाल लीजिए क्या आएगा तो क्या होगा बी ए का मॉड फिर अब देखिए ना यहाँ पे इतना जरूरत जाना कर सकता क्या लिख देंगे लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा देयर फॉर कॉस थीटा देयर फॉर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बी ए इंटू बी ए इंटू बी सी ये ना फॉर्मूला बताए हैं बाई बी ए का मॉड
इंटू बी सी का मॉड, तो ये क्या होगा रूट 17 इंटू रूट 6 बाई डॉट निकालेंगे, थोड़ा सा डॉट कैसे निकालेंगे हम, तो दो एकम दो प्लस तीन गुना छः, ये कितना होगा रूट 17 गुने रूट 6, कितना आ जाएगा 6 × 2 = 10, 10 बट्टा 117 कितना 102 नहीं कटने वाला है, तो इसीलिए क्या होगा 102 नहीं आएगा इस तरह से, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स, क्या होगा कॉस इनवर्स 10/102 रूट के अंदर आंसर हो गया। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन भी गया है ना। 16 देखिए क्या है, 16 में देखिए यहाँ पे 16 में क्या है, तीन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स क्लिनियर प्रूफ करने का बहुत तरीका होता है। ए गिवन पॉइंट्स ए का क्या है कोऑर्डिनेट 1, 2, 7, बी का क्या है 2, 6, 3, सी का क्या है 3, 10 - 1, देयरफोर आप ए बी निकालिए, वेक्टर ए बी निकालिए ए बी, तो 2 - 1 आई कैप, 6 - 2 + 4 जे कैप, 7 - 3 + क्या होगा 4 के कैप, आप निकालिए बी सी, बी सी निकालिए, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 3 - 2 आई कैप, 10 - 6 + 4 जे कैप, -1 - -1 और -1, यहाँ -1 है क्या, ठीक है -1 और -3 कितना होगा -4 के कैप, क्लियर। थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिएगा, 3 - 7 करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा यहाँ पे -4, तो ऐसे भी देखिए, तो यहाँ पे ऐसे भी मतलब कि यहाँ दिख रहे हैं तो दोनों क्या वेक्टर सेम है, तो दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल हो जाएगा ये, तो ये कब संभव है, माने दोनों वेक्टर पैरेलल कब होगा, दो वेक्टर देखिए कोएफिशिएंट जब बराबर होता है ना a1 × b1 b2 c1 c2, वेक्टर पैरेलल माना जाता है, तो पैरेलल कब होगा, पैरेलल तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ए बी मान लीजिए यहाँ पे है और बी सी, पैरेलल कब होगा, होने का चांस ही नहीं है, BC की तरफ पैरेलल होगा, फिर B तो यहाँ पे है, तो मतलब ये क्लिनियर ही कहा जाएगा, यहाँ से भी क्लिनियर समझ सकते हैं, लिख देंगे पॉइंट ABC और क्लिनियर। बट एक और तरीका देखिए यहाँ पे, आप निकालिए आप क्या चाहिए AC निकाल लीजिए, AC 3 × 1 = 2 आई कैप, 10 × 2 + 8 जे कैप, -1 - 7 - 8 के कैप, हो गया ना, देयरफोर AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना होगा 32 1 = 33 कितना होगा √33 जो नहीं कटने वाला नहीं टूटने वाला है। बी सी का मैग्नीट्यूड बोलिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 √33। ए सी का 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 64, 64, 128 और कितना होगा 4, 132 होगा, 132 को तोड़ सकते हैं, 33 चौका कितना होगा, तो 33 चौका 132 होता है, हो जाएगा 2√33। चलिए अब देखा हमने, सिंस ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड बराबर ए सी का मैग्नीट्यूड, देखा ना हमने, एगो √33 + एगो क्या होगा 2√33 नहीं हो जाएगा।